गैस की सप्लाई करने वाले एक टैंकर में लगभग 25 लाख रुपए की शराब की पेटियां छिपाकर जब गुरुग्राम से गुजरात ले जाई जा रही थी तो धारूहेड़ा CIA ने इस कैंटर का पीछा करके उसे काबू कर लिया, लेकिन इसमें सवार तस्कर मौके से फरार हो गए। धारूहेड़ा CIA के अधिकारी अब्बास खान ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए लाखों की शराब गैस टैंकर में भरकर छिपाकर ले जाई जा रही है। यह टैंकर गुरुग्राम से चला था और जब बावल के राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित कसोला चौक के निकट पहुंचा तो वहां पहले से की गई नाकाबंदी को देखकर चालक ने टैंकर को झज्जर की ओर मोड़ दिया। पुलिस ने टैंकर का पीछा करते हुए उसे गांव कुलाना के पास रेलवे फाटक पर काबू कर लिया, लेकिन मौका पाकर चालक और दो तस्कर वहां से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने टैंकर को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। कल हम यहां कसोला थाने में कोई वारदात हुई थी चोरी की, उसकी तफ्तीश के लिए आ रहे थे तो रास्ते में हमें मुखबर खास ने सूचना दी कि गैस टैंकर है जिसके अंदर शराब की पेटियां भरी हुई हैं और वो झज्जर से इस रोड से हाईवे से जाएगा और गुजरात जाएगा। हम लोगों ने अपनी रेडिंग पार्टी तैयार करके नाकाबंदी की है। नाकाबंदी के दौरान ये जैसे ही ट्रक हमारे पास आया तो ड्राइवर ने हाथ देकर रोकने की कोशिश की तो इसको हमारी गाड़ी को इसने टक्कर मारी और रगड़ा मार करके ये गाड़ी NH 71 पर चढ़ा दिया, जहां पर हमारी गाड़ी खराब हो गई। तो गाड़ी खराब होने की वजह से ये गाड़ी हमसे रूपोश हो गई और हमारी नजरों से ओझल हो गई। हमने फिर जिला हजा में VT दी कंट्रोल रूम में और कंट्रोल VT के बाद सारा जिला सील हुआ है। फिर उसके बाद हमने इसको दोबारा अपनी गाड़ी ठीक करके हमने तो इसका पीछा किया, इसको इधर उधर तलाश किया तो ये गाड़ी हमें पालावास से आगे एक जगह है वहाँ पर ये गाड़ी हमें खड़ी हुई मिली। इसमें शराब लगभग जो मिली है 859 पेटियाँ मिली हैं, कुछ फूटी हुई बिखरी हुई खुली पौवे हैं और बाकी 671 पेटियाँ जो है वो बंद है। आज न्यूज के लिए रेवाड़ी से जयत्री की रिपोर्ट। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखी गई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।